नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया 24 न्यूज। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसी एक मिसाल आज लॉकडाउन के समय देखने को मिली। आज डीएसपी सरदार गुरदीप सिंह जब ग्राउंड पर निकले तो एक व्यक्ति दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वापस लेकर आ रहा था। जब उसको डीएसपी द्वारा रोका गया और बच्चों के पारिवारिक मेंबर ने झूठ बोलना चाहा, तो तभी बच्चे ने तुरंत बोला कि पुलिस अंकल, मैं ट्यूशन पढ़कर आ रहा हूँ, मेरी मैडम मुझे रोज ट्यूशन पढ़ाती है, आओ आपको भी मैं साथ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि मैं कहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ। जब नन्ना बच्चा डीएसपी को अपने ट्यूशन लेकर गया और मैडम से बातचीत की, तो वह भी झूठ बोलने लगी कि मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हूँ। तब बच्चे ने बताया कि मैडम, हम तीन बच्चों को पढ़ाती है। तभी डीएसपी ने बातचीत के दौरान बताया कि एक बच्चे ने सच बोलकर मिसाल कायम की है। तभी हमने मैडम को समझा दिया कि किसी को भी ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही आज जितनी भी दुकानें बिना इजाज़त खुली थी उन्हें भी बंद करवाया गया। रिपोर्टर नरेश संगोत्रा के साथ ऑल इंडिया 24 न्यूज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दो बच्चे भैन भरा उन्होंने चाचा नाल लैके तुरिया सी, किताबा उन्होंने कोल आ, तो मैं पूछा कितों आए हैं, तो फट बच्चे ने स्तभिया, बच्चे ने बोलिया कि असं ट्यूशन पढ़ के आए हैं। मैं क्या बहुत ट्यूशन तो बंद आ, वो कहते नहीं सानू पढ़ाते हैं, साढ़े घर के लैके जाते हैं उत्थे। वो बच्चा मैनू उस घर लै गया जिथे वो ट्यूशन पढ़ाते सी, तो वह बच्चे ने दसिया कि इतने तीन जने असं ट्यूशन पढ़ना आने, फिर घर वालों असं मना करके आए हैं।
ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10-15 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ।